डांग दरबार एक ऐसा विशाल मेला जो हर साल होली के पर्व पे आता है। तो दोस्तों, डांग दरबार गुजरात में डांग जिले के मुख्यालय आहवा में होली के त्यौहार के दौरान आयोजित एक मेला है। डांग दरबार में 5 पुराने डांग दरबारों यानी कि राजाओं को पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। डांग क्षेत्र में पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले डांग दरबार को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जहां आदिवासी लोग अपने नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करते हैं। यह डांग दरबार होली के साथ मनाया जाता है, जो 5 दिन का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। डांग क्षेत्र में होली का त्यौहार महत्व है। डांग जिले को 1942 तक राजाओं और नायकों द्वारा प्रशासित किया गया था। उसी वर्ष डांग जिले के वन क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। भील राजाओं और नायकों के अधिकारी के रूप में दी गई राशि और फिर वार्षिक वर्षाना के रूप में हर साल डांग दरबार भरने वाले भील राजाओं, नायकों, उनके दोस्तों, पुलिसों, दरबारियों को भुगतान किया जाता था। डांग दरबार के दिन यहाँ के आदिवासी गंगा तट पर नाग देवता की पूजा करने के लिए जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह क्षेत्र रामायण वर्णित दंडकारण्य का क्षेत्र है, यानी कि यह देवभूमि के रूप से भी मानी जाती है। तो दोस्तों, डांग दरबार को डांग दरबार क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहवा के आसपास के कई आदिवासी दरबार में इकट्ठा होकर अपनी शिकायतों का समाधान करते थे। यह सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन आज भी डांग के आदिवासी राजा बैठते हैं, लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाता है। इसमें भाग लेने के कारण इसे डांग दरबार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस डांग दरबार के 5 दिन के मेले में जनजातीय नृत्य इस त्यौहार मेले का मुख्य आकर्षण है। विभिन्न समूह अपने नृत्य, वाद्य यंत्र और संगीत प्रस्तुत करते हैं और कहलिया और ताड़पुर जैसे वाद्य यंत्रों के साथ संगीत का प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में आदिवासी संस्कृति का आनंद लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक दरबार में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डांग दरबार के पहले दिन की यात्रा पे जहाँ पे जोरों शोरों से रैली निकाली जाती है वो आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। और ये डांग दरबार 6 मार्च तक चलने वाला है, तो आप भी यहाँ पर एक बार विजिट ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं आगे का। We'll be right back.
ये था आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और दांग दरबार के और दो वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आप भी यहाँ आने का प्लान जरूर से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।